बहुत बड़ा संत हुआ चाइना का, च्वांगसू। चाइना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस वक्त, तो एक राज्य दूसरे राज्य पर, च्वांगसू जिस राज्य में था वो छोटा सा राज्य था, तो उसके बगल वाला जो बड़ा राज्य था, बड़ा ताकतवर राज्य था, जो इसके राज्य का मित्र था, उसने पता नहीं किसी बात पे नाराजगी हुई और उस ताकतवर राज्य ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। अब राजा को तो पता था कि यार हम तो गए, छोटा सा राज्य। अब 1856 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई की, हम क्यों इतना महिमा मंडन करते हैं, छोटा सा बिंदी भर का राज्य, बिंदी भर का। जिन अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत में स्थापित हो चुकी है वो उनसे लड़ रही है, क्या हिम्मत रही होगी, क्या निश्चित तौर पर वो महिला उतार रही होगी। 1856-57 जब भारत पर, पूरे भारत पर लगभग लगभग कर्जा, पूरा भारत पर कब्जा, पंजाब 1848, 1765 बंगाल, 1799 मैसूर, 1817 मराठा, 1843 सिंध, 1848 पंजाब, 1856 अवध, पूरे भारत पर कब्जा, और वो छोटी सी झांसी की रानी लड़ रही है, वो दम है सर। ऐसे ही कुछ मसला था, एक झांसी जैसा स्टेट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे स्टेट ने च्वांगसू के राज पर हमला कर दिया, हमला कर दिया। च्वांगसू का जो राज्य के वजीर था वो च्वांगसू से बड़ा प्रभावित रहता था, कभी कभी मिलने आता था कि सरकार, राजा महाराजा भी साधु संगत में कभी कभी बैठते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो वजीर ने राजा से कहा कि यार यहां एक संत रहता है, मैं जब भी फंसता हूं ना मैं उससे राय लेता हूं और आज तक राय गड़बड़ नहीं हुई। राजा ने कहा ले लो, अब तो मरना वैसे भी है, ले लो। वजीर आया च्वांगसू के पास, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अगला राज्य तो सुनने को तैयार नहीं, लड़ाई तो होगी और हम मरेंगे। च्वांगसू एक मंदिर में रहता था, तो उसने राजा से कहा कि सुनो, इस मंदिर का जो देवता है वो मुझसे बात करता है, कल आना, और मुझसे वो रात में ही अकेले में बात करता है, कल आना, कल पूछ के बता दूंगा कि तुम लोग हारा तुम्हारा क्या होगा। ठीक, दूसरे दिन वो वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी, और इस भगवान ने मुझसे आज तक जो जो कहा कभी कुछ टला नहीं, और अगर ये टल गया तो तुम मुझे सजाए मौत दे देना। राजा खड़ा, सेनापति खड़ा, वजीर खड़ा कि अच्छा भगवान ने कहा, बोले भगवान ने, ये सब आ गए ताओ में। इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया,